ग्रेट टेम्पल रिसर्च क्या कर रही है। और ये लाइन लगी हुई है यहाँ से बहुत लंबी। ए, एक ही लाइन लगा, दो लाइन लगा, एक ही लाइन। तो अब देखो भीड़ देखो यहाँ पे, अभी भूख चल रहे हैं। लाइन चल रही है, बहुत अच्छा सिचुएशन है यहाँ पे। लाइन का तो बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे तो भाई पेड़ वाला सिस्टम था ज्यादा। कहाँ पे सारे भीमाशंकर में तो वहाँ दिक्कत हो गई थी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली एकदम मस्त लाइन जा रही है। सो गाइज, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ त्र्यंबकेश्वर की कहानी, कि त्र्यंबकेश्वर भी है जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। और ये जो है, मतलब प्राचीन काल में कहते थे कि ये ब्रह्मगिरि पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि गौतम के जलने वाले थे जो उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सिद्ध थे बहुत। तो एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि को गौहत्या के आरोप लगा दिया था, और सभी ने कहा था कि गौहत्या पाप है और इसके प्रायश्चित करने के लिए आपको देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तभी गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी, जिससे प्रसन्न होकर, तो जैसा कि मैंने बताया कि शिवजी और पार्वती जी प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा कि आप देवी गंगा को उस स्थान पर भेज दीजिए, और लेकिन देवी गंगा का यह कहना था कि शिवजी भी अगर इस स्थान पर रहेंगे तभी वो यहाँ पर रहेंगी, वरना नहीं। तो ऐसा कहने पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवजी यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए, और गंगा नदी गौतमी के रूप से वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक और नाम भी है जिसको गोदावरी कहते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग एक साथ स्थापित है, एकदम छोटे छोटे हैं जिनके पैर से कंटिन्यू पानी टपकता है, और वो जो कुंड में ना आपको दिख रहा होगा बीच में जो सर्कल है वहाँ पर इकट्ठा होता है, जिसको बार बार निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता नहीं होगा, और अगर पता था तो अच्छी बात है, और नहीं पता था तो अब मैंने स्टोरी बता दी आपको कि त्र्यंबकेश्वर में क्या है। ऐसी और भी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आके देखा तो आप देखो, और इससे तीन गुना लाइन यहाँ पे ऑलरेडी है। ये देखो, मतलब जितना चले हैं उससे ज्यादा और है। प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। तो गाइस ये देखो सब यहाँ पे, जैसे ही एक पार करते हैं उसके बाद एक और आ जाता है, उसके बाद एक और आ जाता है, ऐसे पांच है। और भीड़ देख रहे हो, और लोग बोल रहे हैं कि ये तो कम है, और भी भीड़ रहती है। सो गाइस एक और लाइन आ चुकी है, चौथी या पांचवी लाइन, ये देखो। और ये लास्ट है, और यहाँ से देखो कितनी रोशनी आ रही है, धनकर है ये रोशनी आ रही है। और ये लास्ट है, इसके बाद वहाँ से जाके फिर एक नीचे है, डाउनफॉल है बहुत बड़ी, तो वहाँ पर भी जाना है, तो वो भी दिखाऊँगा आपको। फिलहाल यहाँ पर देखो आ चुके हैं, ये लाइन ख़त्म ही होने वाली है। और यहाँ पे देखो मौसम वगैरह सब है यहाँ पे, और ये आ चुका है फाइनली 4 घंटे लाइन में लगने के बाद। हमारी मन्नत दूर है,
लंका है कि अंदर जा रहे हैं। हो चुके भाई, गेट के पास पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है तो आप रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। चलो सीधा आपको बाहर मिलता हूँ। दर्शन करके यहाँ से आ चुके, वहाँ से घुसे था, दिखाया आपको। फोन अलाउड नहीं था तो मैंने किया नहीं। और ये आप देख सकते हैं मंदिर कितना मस्त है। यहाँ पे पानी वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पे डोनेशन ऑफिस, सब तरफ लाइट चलती है, रात को बहुत अच्छा दिखता होगा। रोहन रुक जा। कुछ इस तरह का है। लगभग 6:30 बज चुकी है और हम आए हुए हैं यहाँ पे। देखो भोले हर भोजनालय। यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा फायदा का मन ये है कि यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बनता। देखो, और अगर आप पूजा करने आए तो आप ऑब्वियसली प्याज लहसुन नहीं खाओगे। तो ये देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये है माताश्री फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पे गेट के जस्ट सामने, यहाँ पे गेट है, देखो गेट आपको दिख रहा होगा, गेट के जस्ट सामने इधर है और यहाँ पे होटल है। तो अगर आप आओ यहाँ पे खाना खाओ, बहुत टेस्टी है, प्राइस भी रिजनेबल है, बहुत सही रेट है। और फिलहाल हम होटल जाएंगे, बहुत भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं और आपको दिखाता हूँ रास्ते में पैदल जा रहे हैं। 800 मीटर ही है। ये देखो जो हमने बुक किया है डॉर्मेट्री, पहले तो बहुत छोटा सा रूम था, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि इसको हम चेंज कर लेंगे 12 घंटे बाद। हैं सो गाइस, यही हमारा होटल है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए हम डॉर्मेट्री लिए हैं। अब जाके डॉर्मेट्री में जाएंगे। ये वही है, वही जगह है। चलो चलते हैं अंदर, रूम है। भाई बहुत मस्त है, ये पार्किंग है, वो तो आश्रम टाइप का है। गाइस ये सीढ़ी टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे सीन अच्छे हैं। वहाँ पे भी अच्छे थे, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, यहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी डेकोरेशन सीढ़ी टाइप का है। रूम बुकिंग भी सेम वैसी है। और बाद में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर जगह का, एक एक वीडियो पर्टिकुलर डालूंगा जिसमें मैं A to Z बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, भले ही व्लॉग देखो चाहे मत देखो आप लोग। तो ये देखो कुछ इस तरह का है। जैसे सीढ़ी में हम लोग गए थे डी विंग, आपको याद होगा पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि डी विंग गए थे। उसी टाइप का सीन है यहाँ पे, अंधेरा है यहाँ पे, बस ये है बस फूल। मैं मंदिर आपको कल दिखाऊंगा इसको पूरा डिटेल में, अभी आप थोड़ा सा सैंपल देख लो बस। ये देखो ये वाला है जो आपको सामने दिख रहा है, ये कौन सा है, ये डॉर्मेट्री है वाला। इसी में हमने लिया है, 20 लोग हैं इसलिए 2 रूम लिया था 10-10 करके। तो चलते हैं सीधा आपको वहीं का दिखाते हैं। ये देखो प्रसाद आले वगैरह भी यहाँ पे। देखो ये कुछ ऐसा सीन है, और यहाँ पे मैंने चप्पल उतार दी है। तो चलते हैं अब ऊपर सीधा सीढ़ी की ओर।
से ब्लॉग में गए लोग, फर्स्ट फ्लोर में है रूम डॉर्मेट्री, मतलब यहाँ पानी पीने का बहुत सही है भाई। ये रूम है, चप्पल अंदर ले जा, चप्पल यहाँ रख लेते हैं। तो गाइस मैं आपको रूम टूर दूँ तो ये देखो, ये डॉर्मेट्री है, ये कपड़े वपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, सूख लगा दिए थे। चल ये देखो बहुत बड़ा है। सो गाइस ये देखो अभी टोकन वगैरह ले लिए हैं, टोकन वगैरह ले लिए और यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। 35 रुपये है, कुछ भी खाओ अनलिमिटेड। तो चलते हैं सीधा और खाते हैं और खाना बताते हैं कैसा रहा। चलो सीधा अंदर चलते हैं। अंदर आ चुके हैं, ये पराठा सब्जी वगैरह मिली है, फर्स्ट टाइम इतना ही मिलेगा, बाकी आप रिफिल करवा सकते हो। यहाँ पे देखो सब करवा रहे हैं, वहाँ से टोकन लगना है। ये टोकन है देखो, दिखाता हूँ आपको, टोकन दिखाता हूँ आपको। 70 रुपये, 35 रुपये का एक प्लेट है और साबूदाना 12 रुपये। और खा रहे हैं अभी, तो मैं भी ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे।